आज ईद का दिन है और मैंने सोचा अपने सब दोस्तों को, अपनी फैमिली के मेम्बर सबको इकट्ठा करके खाना शाना खाएंगे, गपशप लगाएंगे और आर्टिस्ट तो हैं ही बहुत अच्छे, उसके साथ खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इनके हाथ की अगर आप बिरयानी खा लेना तो आपके वाजी ठीक है, ये इसकी कंटिन्यूटी है दोस्तों। ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला, बहुत मोहब्बतें बांटने वाला। अम्रोजिया जी, इन्होंने भी माशाल्लाह बड़ा स्किन और मैरून कलर का ड्रेस पहना है, खूबसूरत लग रही है। ये मेरी बहू है छोटी सी, ये मेरे साथ बैठी है, ये बड़ी शर्मीली है, ये कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन आज मैंने इसको ये ज़बरदस्ती कहा कि आपने बैठना साथ। माहम रहमान जी, बड़ी प्यारी मेरी बेटी और बड़ी बाअदब और बहुत नाइस, और जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज ईद का दिन है और मैंने सोचा अपने सब दोस्तों को, अपनी फैमिली के मेम्बर सबको इकट्ठा करके खाना शाना खाएंगे, गपशप लगाएंगे। तो आपको पता, बड़ी तो कुर्बानी की ईद होती है तो उसमें ज़्यादा तो लोग पहले दिन ज़रा कम ही निकलते हैं, लेकिन मैंने पहले दिन ही अपने दोस्तों को बुला लिया। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये रीना शफकत बैठी हुई है, बड़ी खूबसूरत मैक्सी पहन के, चमक धमक करके, फूल लगाया है, बाले बड़े बड़े पहने हैं, ये ईद मना रही हैं। तो अब इधर मेरे साइड पर बैठी है अम्रोजिया जी, इन्होंने भी माशाल्लाह बड़ा स्किन और मैरून कलर का ड्रेस पहना है, खूबसूरत लग रही हैं और हमेशा की तरह हर हाल में खूबसूरत लगना, चाहे इनको बेडरूम में देखें चाहे इनको ड्राइंग रूम में देखें, हमेशा अच्छी लगती हैं। और मुझे तो आप जानते ही हैं क्योंकि मैं तो आपसे रोज़ मिलती हूँ, रोज़ बातचीत करती हूँ। अब मेरे साथ मानो यानी फातिमा सलमान, ये मेरी बहू है छोटी सी, ये मेरे साथ बैठी है, ये बड़ी शर्मीली है, ये कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन आज मैंने इसको ये ज़बरदस्ती कहा कि आपने बैठना साथ। तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, और वो जो हैं माहम रहमान जी, बड़ी प्यारी मेरी बेटी और बड़ी बाअदब और बहुत नाइस, और जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम। अगर ये मेरी बेटी ना होती, किसी और की भी बेटी होती तो मैंने इतनी ही तारीफ़ करनी थी कि क्योंकि ये इस काबिल है। और इधर हमारे साथ डांस डायरेक्टर पप्पी कलिहार जी, माशाल्लाह बड़ा ना ठुमके वाला कुर्ता पाया। और ये हमारे अक्सर हमारे साथ ही होते हैं, गपशप ये वो सारा। और अली शफकत साहब सिंगर, जो पिछले दिनों में इन मियाँ बीवी का मैंने इंटरव्यू किया, बड़ा लोगों ने पसंद किया, और ये भी बड़े रौनकी हैं और बड़ी जोतें लगाते हैं। अभी हम आपको इनकी बातें भी सुनाएंगे, और गड़ी सारे हम लोग बड़े गपशप कर रहे हैं, बड़े अच्छे मूड में हैं। और दोस्तों आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला इसी तरह तौफीक दे, आप अपने घर में अपनी खुशियाँ मनाएँ और कुर्बानी करें, और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको मिलें जुलें। जी अब हम शुरू करते हैं अम्रोजिया जी से, ये क्या कहती हैं जी? अम्रोजिया जी, आपको आज ईद कैसी लग रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो यही कहूँगी, सहेलिए ईद मुबारक, अड़िए ईद मुबारक। ये मेरी दोस्त भी है, कह लें बहनों की तरह है, तो मैं तो ये समझती हूँ, मेरा जब भी इनके पास आती हूँ मेरी हर रोज़ ईद होती है, ये नहीं ईद वर्गा हर दिन होवे साड़ी ईद वर्गी, तो मेरी तो हर रोज़ ईद होती है, क्योंकि ये मुझे मिलती है, मैं इसको मिलती हूँ, हम दोनों इकट्ठी होती हैं, हमारी ईदें एक साथ ही होती हैं, लेकिन ये स्पेशलिस्ट ने आज इंतज़ाम किया है, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। माहम बैठी है इनकी बेटी, माशाल्लाह वो बहुत बादब है, हम सब की बहुत इज़्ज़त करती है, प्यार करती है। मैं कहती हूँ कि माहम का भी बहुत प्यार है मेरे साथ, तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करती हूँ माहम जी, क्योंकि जब भी ये आती है माहम मुझे तो गले मिलती है और कहती है कि जी आंटी आपको देख के बहुत खुशी होती है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये दुर्दाना जी की बेटी है और मेरी भी बेटी है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आपने अभी तो ये इसके ढकने उठाने हैं और हमने खाना है, फिर नहीं अभी तो आके मैंने ख़ास करके ईद के, ये तो ईद के आपने किया ना, अभी मैंने ईद के दूसरे दिन आके फिर आपको तंग करना है, वो तो मैं करती रहती हूँ। मेरे लिए भी तो बना के ले आए, मैं नहीं इतके दूसरे दिन मैं लेके आऊंगी, ठीक है ना?
और अपना इंशाल्लाह ताला ये पप्पी जी भी बैठे हुए हैं, ये भी हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बड़ के अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा कोरियोग्राफर हैं, सबको सिखाते हैं ठुमके लगाने। और ये साथ में अली शफकत हैं, ये बहुत अच्छे हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, तो इनके सिंगिंग भी बहुत अच्छी है। और ये साथ है, हेलो हेलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक, कैसे? अच्छा अच्छा, एक काम तो रह गया है जी, मेरा मिलना दुर्दाना जी के साथ। ओहो हो, सहेली ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ, और सब ठीक है मेरी तरह से, बहुत बहुत आप सबको भी ईद मुबारक, क्योंकि ये मुझे ये इस बात की खुशी है जो दुर्दाना जी ने ये यूट्यूब का चैनल जो बनाया, ऑफिशियल चैनल, उसके लिए ये सब हम इंतज़ाम इन्होंने किया है, हम सब दोस्तों को इकट्ठा किया है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको इस यूट्यूब में कामयाबी दे, जैसे इसने अपने दौर में फिल्मों में नाम कमाया है, इसी तरह ये यूट्यूब के ज़रिए भी अपना नाम कमाए और धुएँधार इसकी एंट्रियाँ होती हैं, होती रहें। और ये मेरी दुआ है ख़ास करके अपनी दोस्त के लिए, तो आप खुश रहें, इसी तरह सब दोस्तों को बुलाती रहें, यही आपकी सबसे ख़ास बात है जी। और मैं भी भागी भागी क्यों चली जाती हूँ, यही एक बात है। हाँ ये लें जी, आप कुछ कहेंगी? ठीक है, मैं दोस्तों आज अपने सब लोगों से आपकी बातचीत कराऊंगी, ताकि आप सबसे बातें करें, आपको पता चले कौन किस स्टाइल से बात करता है और कौन क्या बात करता है। तो अभी मैं रीना जी को माइक देती हूँ, तो इससे पहले माम जी मैं थोड़ा सा गाना सुना दूँ, क्योंकि ईद का मौका है तो एक गाना ईद का होना चाहिए। और थोड़े थोड़े चने वेख्या, और थोड़े थोड़े चने वेख्या, बहुत रह गए घटा दे ओले ओले, वे के मैं जन्म हीनू सड़ फूक सुटे गुडियां पटोले। हो थोड़ा थोड़ा चन वेखिया जी, आप लोगों ने क्लैप नहीं की। आप चार में खो गए। अब मैं रीना जी को माइक देती हूँ, वो उनकी भी को बात सुनिए आप, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं। वैसे चलना तो मुझे ऐसे चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे चल गई, कोई बात। लीजिए रीना जी, आप क्या कहती हैं? सबसे पहले तो मैं दुर्दाना जी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ईद के मौके को खुशगवार बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आपने ये दोस्तों की महफिल सजाई है, माशाल्लाह। और शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं आप, शुरू से ही माशाल्लाह हर इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं। तो इस खूबसूरत मौके पे, ईद के मौके पे आपके लिए एक शेर है जी। मुबारक नाम है तेरा, मुबारक ईद हो तुझको, मुबारक नाम है तेरा, मुबारक ईद हो तुझको, जिसे तू देखना चाहे उसकी दीद हो तुझको। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कमाल कर दिया आपने, ये घर से याद करके आई थी। जी अब मैं आपको तारुफ कराऊंगी अपनी बहू का, ये मेरी बेटी भी है, मेरी बहू भी है, और मुझे बहुत प्यारी है, मुझे बहुत इससे प्यार है। तो ये हैं फातिमा सलमान, सलमान साहब ये भी आ रहे हैं, उनसे भी आपकी ईद पे गुफ्तगू होगी। जी फातिमा जी, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फातिमा जी? मैं ठीक, आप सुनाएं। आपको अपनी मम्मा कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी। कोई कभी मारा है? नहीं। कभी कुछ कहा? नहीं। आप खुश हैं? हाँ जी। मेरे सारे चाहने वालों को बताएं आप, मुझे प्यार करने वालों को, कि आपकी मम्मा बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं मेरी मम्मा। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं डर के भी बहुत अच्छी मेरे से डर के। जी ये थी, ये कभी कैमरे के सामने नहीं आई, लेकिन आज मैंने इनको कहा कि बेटा आप मेरे साथ बैठो, मुझे अच्छा लग रहा है, ताकि सब लोग हमारे फैमिली के, अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा आएगा, उससे भी बातचीत होगी, वो ज़रा चीज़ें चूज़ें लेने गया, आप समझते ना मेहमान आए हो तो काफ़ी कुछ आना होता है। तो दोस्तों आप तो जानते हैं माहम रहमान, माशाल्लाह एक नाम और ख़ूबसूरत ढाल, और अपने काम में वो अपने न्यू चैनल में माशाल्लाह होस्टिंग करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, और साथ सिंगिंग करती हैं। अभी उनका ईद पे गाना रिलीज़ हो रहा है, आप ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी माहम रहमान के लिए तालियां। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। सबसे पहले सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम हम सब की तरफ से, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज चूँकि बकरा ईद है और ये खाने पीने वाली ईद होती है, क्योंकि ईद उल फितर पे भी ऐसे ही होता है, आप लोग तैयारी करते हैं, अपने फैमिलीज़ में जाते हैं, खाने पीने खाते हैं, बट ये ईद पे स्पेशल डिशेस बनती हैं। और इसी तरह आज भी मामा ने सारा अरेंज किया है और मज़े मज़े के खाने हैं, और हमारे बहुत ही करीबी जो हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो सब लोग आए हुए हैं घर पर। दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर्स टू अस, और हम लोग आपस में गपशप कर रहे हैं। जी, आप अपनी मामा के बारे में क्या कमेंट्स देंगी? मामा के बारे में वैसे तो सारी दुनिया ही जानती है, मैं आपके बारे में जो कमेंट्स देती रहती हूँ, लेकिन आप मतलब जैसे कोई इवेंट करना, उसमें भाग दौड़ करनी, टेंशन लेनी, सारी तैयारी करनी, आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और हमेशा ही रहती हैं, और मेरा ख्याल है कि सबको इकट्ठा करने में आपका सानी कोई नहीं है इसमें। आप ये बहुत बड़ी बात होती है ना, तो इतना जिगरा हर इंसान का होता है ना, इतना हौसला होता है, तो वो चीज़ आप में बहुत एक प्लस पॉइंट है कि आप सबको जो है मेरा ख्याल है चाहें तो एक दिन में एक कॉल पर इकट्ठा कर सकती हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, हमारे सर पर आपका साया सलामत रखे और हमें आपके साए तले रखे। और इसके अलावा, और हाँ, मेरा सॉन्ग जिसकी आप बात कर रहे थे, चिट्टा मैं कबूतर उड़ा छोड़ेगा, ये आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। आप जब मेरा नाम लिखेंगे, सॉन्ग लिखेंगे, तो ये आज ही रिलीज़ हुआ है ईद पे टीपी गोल्ड वालों की तरफ से, ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अभी हम थोड़ा सा गाना सुनेंगे, थोड़ा सा ईद का मौका है और आप गुलकारा भी हैं, तो हम चाहेंगे आपसे कुछ सुने हम। चले आज जो रिलीज़ हुआ है मैं वही सॉन्ग सुनाती हूँ आपको थोड़ा सा। ये बेसिकली माइये हैं और ये से चिट्टा मैं कबूतर उडार छोड़या, चिट्टा मैं कबूतर उडार छोड़या, ढोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़या, चिट्टा मैं कबूतर उडार छोड़या, ढोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़या, ढोला तेरे नाजा मैनू मार छोड़या। थैंक यू। बाकी का आप लोग वीडियो सॉन्ग पे जाके देखें और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। माहम जी ने बहुत प्यारा गाना गाया भी है और शूट भी करवाया इसका, माशाल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगा, फिर आप बताइएगा कि माहम का गाना कैसा है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं, मैं तो नहीं कहती, सारी दुनिया ही कहती है जी। अब हम आपको अपने पप्पी कल्याण जी से मिलाएंगे, जो ये समझे कि हमारे बड़े प्यारे पप्पी जी हैं, जिनको मैं अपने साथ हर जगह ले भी जाती हूँ, उनसे डेली मेरी फ़ोन पे भी बात होती है, गपशप भी होती है, और बड़े हंसमुख और बड़ी मेरी हौसला अफज़ाई करने वाले, मुझे प्यार करने वाले, और उनसे मैं आपकी बात करवा रही हूँ, ज़रा आप भी उन्हें देख लीजिएगा जी। पप्पी जी, सबसे पहले तो जी सबको ईद मुबारक, और सबको अल्लाह पाक हिफ्ज़ो मान में रखे, और इसी तरह हम सब हंसते मुस्कराते रहे। रही बात के हमारी फ़नकारों की शान जिनका नाम है दुर्दाना रहमान, और मेरी यही दुआ है कि दुर्दाना जी आप इसी तरह हंसते मुस्कराते रहें, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी करे। रही बात माम रहमान की, तो ये तो हमारी समझो बच्ची हाथों में बड़ी हुई है, और हमारी दुआएँ इनके साथ हैं, हमारी नेक तमन्नाएँ इनके साथ हैं, जो इन्होंने गाना गाया अभी, अल्लाह पाक मजीद इसको और कामयाब करे। और बाकी दुर्दाना जी आप क्या तारीफ़ करें, आप हमारे एक फैमिली मेम्बर हैं, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी करे। आज कुर्बानी है, गरम गरम गोश्त पक रहे हैं, कुडोंगों में सज गए हैं, अभी इनको खाना भी है हमने। बाकी ये है कि दिल खुश होता आपको मिलके, आपसे कुछ हम फनकार सबक भी सीखते हैं, जैसे उस्ताद अपने शागिर्द के सबक शागिर्द सीखता है ना, दुर्दाना जी आप में तकब्बर नहीं है, गरूर नहीं है, मिलनसार है, यही चीज़ मेरे अल्लाह को पसंद है, और यही अदा जो है ना आपकी हमें खींच के लाती है। तो हम सदा बकरे का गोश्त ज़्यादा पसंद है, ऊँट का या गाय का? देखिए जी, कुर्बानी का गोश्त है, हर गोश्त खाना सवाब है, ऊँट हो बकरा हो। हाँ, मैंने डॉक्टर, मुझे तो मैंने डॉक्टर क्यूमो से सुना है कि ये जो ये कहते हैं कि ऊँट का जो गोश्त होता है ना, एक लजीज होता है और उसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जोड़ों घुटनों में जिसको तकलीफ़ हो ना, ऊँट का गोश्त खाने से अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ दूर कर देता है। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने शफा रखी है ऊँट के गोश्त में,
और इसके अलावा और बकरे का गोश्त ज्यादा पसंद है, ऊंट का या गाय का? ये तो वो माम रहमान जी बात कर रहे हैं ना कि एक बंदा था ना कुर्बानियाँ की तो बकरे फिर जंतों में चले गए, तो ये सारे जमकट्टा हो गया बकरों का, कहते यार जो सफ़ेद रंग का बकरा तो वो अभी तक नहीं आया, एक हफ्ते इंतज़ार की, दो हफ्ते, तीन, चौथे हफ्ते को वो आ गया, कहते यार तू इतना लेट क्यों है, कहते शेख साहब ने मुझे काट कूट के खाल खुल उतार के फ्रिज में रख दिया था, कभी रान निकालता था, कभी पुट का गोश, कभी गर्दन, आज मुकम्मल होकर मैं जन्नत में आ गया हूँ, तो मैं यही कहूँगा खुदा के लिए फ्रिजों में गोश ना रखना, गरीबों में बाँटना। दोस्तों आपने सबके व्यूज़ सुने, सबकी बातें सुनी, हर बंदे ने अपने हिसाब से बात की और बड़ा अच्छा लग रहा है आज का दिन, बड़ा माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे सलामती करे और परवरदिगार हमारे कामों में बरकत डाले कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो बहुत डाउन जा रहा है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर बंदा सफ़ेद पोश तो बिल्कुल ही मारा गया ना, तो गरीब तो बेचारा पहले ही मरा हुआ है। तो बाकी ये है कि अब हम लोग अपनी महफिल में आज को एक ऐसे सिंगर से मिलवा रहे हैं, शायद मैंने पहले भी आपको उनसे मिलवाया है, उनका नाम है अली शफकत और प्यार से हम उन्हें शैकी कहते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है शैकी ना गा के। तो अब मैं बात करवाती हूँ आपकी अली शफकत से, बड़े रौनकी, बड़े जॉली और बड़े गाने शाने सुनाती हैं और दिल से गाती हैं और हमें हंसाते हैं, इसलिए हम उन लोगों को अपनी महफिल में बुलाते हैं जो हमें हंसाए। तो आपको दोस्तों मैंने पहले भी ये बताया था कि हमारी अपनी दुनिया है, हम लोग अपनी दुनिया में मगन हैं, खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे ही मिलते हैं जो हमें समझ सके या जिन्हें हम समझ सके। तो जी अली शफकत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबको, आप सबको मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको ईद, बड़ी बकरा ईद मुबारक। और दोस्तों आज मैं तुम दस लगा कि मैं दो बकरे लेते हैं, एक मैं घर बन के आए कि तक मेरे नाल बैठे हैं, हाँ जी। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, ईद का मौका है तो बहुत मैं इंजॉय कर रहा, माशाल्लाह अमरोजिया जी बैठे हुए ने, तो दुरदाना जी बैठे हुए ने, माहम रहमान माशाल्लाह जिसको अक्सर आप देखते रहते हैं टीवी चैनलों पे, आज वो हम हमारे साथ, हम लाइव आपके साथ सामने प्रोग्राम कर रहे हैं ईद का और बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मनु दे ना पपी कल्यारल देख के बड़ा मज़ा आ रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। तिलों वाला कुर्चा कुलचा तुम देखा होगा अक्सर, तिलों वाला कुर्ता पहली बार देखा जरा पाया अज ईद दिन है, ते पप्पी कल्यार साहब दे की अज तुसी खादा पीता है जी ईद का दिन है की दसो जी, मैं कहना कि कुछ ले ढक्कन खोली ते शुरू हो गई, ढक्कन ते खुले ने ते तुसी कसा नहीं ईद ते हवाले जी, ईद ते हवाले ना कोई खूबसूरत जिया गाना, हां ए होना चाहिए मेरी जान, होना चाहिए। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईद हवाले ची आए हैं तो खूबसूरत जहा, किस तरह हो सकता कि तुहाडी आवाज़ कोई सोंग ना सुनी असी, हाँ नहीं एक हूँ खास करके एक होर अच्छा जहा कोई सोंग साढ़े देखने वाले भी अच्छा लगे तो सानू भी बहुत अच्छा लगे क्योंकि वह भी तुहाडे नाल बहुत प्यार करते हैं तो असी तो तुहाडे नाल प्यार करने ही करने। हेलो देखो जी इन्ने सारे जिथे सिंगर बैठे हो तो उत्थे मेरा बेचारी का की कम है, लेकिन चलो हूँ इन्ने प्यार ना सब कह रहे हैं दोस्तों सुनाना तो बनता है ना। प्यार तेनू करनी आ प्यार वे, हाय प्यार तेनू करनी आ प्यार वे, दिल विच वसना है
दिल विच वसना है तू दिलदार वे प्यार तैनू करनी आ प्यार वे हाय प्यार तैनू करनी आ प्यार वे। दोस्तों ये मेरी ही फिल्म नौकर दे मालिक में मेरे भी पिक्चराइज हुआ और अक्सर आपने देखा होगा ये पूरा गाना एक मोटरसाइकिल पे ख़त्म हो जाता है लेकिन इतना लोगों को पसंद है, मुझे खुद भी ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है और आज हम लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं। अभी कोई ना कोई इन लोगों से वो कहते ना पंजाबी जुगत करना, वो भी अभी सुनेंगे और गपशप लगा रहे हैं। आज तो हमारी ईद इस तरह गुजरी और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ईद के 3-4 दिन ही होते हैं, दोस्तों के पास छुट्टियाँ होती हैं और बंदा आपस में मिलता जुलता है, गपशप लगाता है, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करता है। तो अब मैं ये कहूँगी कि माहम को माइक दूंगी, माहम जी जरा शफकत अली को हंसने वाली को बात सुनाए। हाँ ठीक है, आज ईद का मौका है और आप सब लोग हमें देख रहे हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पर और इस वक्त हम सब आपस में बैठे हुए हैं, म्यूज़िक चल रहा है, गपशप चल रही है और मैं चाहूँगी साथ थोड़ी थोड़ी जुगतबाजी भी चले। सो हम अली शफकत साहब को कहेंगे कि हमें कुछ अच्छी सी जुगतें सुनाएं और जिस जिसको भी आती है सारे सुनाएंगे भाई। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं एक गलत फहमी दूर करूँ काफ़ी लोगों की, जुगत करना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर का काम होता है और ये हर एक को नहीं आती। आई रियली विश कि मुझे जुगत करनी आती होती, मुझे आती होती तो मैं जुगते ही कर रही होती, लेकिन मुझे कभी कभी आ भी जाती है, कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाता है, लेकिन ये जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर जुगत में अच्छा होता है मैं समझती हूँ वो ब्लेस्ड है। ये भी एक आर्ट है, जुगत करना भी एक आर्ट है, किसी को हंसाना एग्जैक्टली ये भी एक आर्ट है जो अच्छी जुगत करे, ये नहीं कि ऐसी हल्की फुल्की से कोई भी कर दे, नो अच्छी जुगत करना। आप और आप आर्टिस्टों में बैठते हैं, कॉमेडियंस में बैठते हैं, इर्द गिर्द आपका सर्कल होता है, आप शोर इतना करती हो मुझे समझ नहीं आई। अगर आप फीकी जुगत करेंगे आपको खाना नहीं मिलेगा, सो मैं अच्छी सी जुगत करके दिखाए और जितनी फीकी जुगत होगी उतनी बोटियां कम होगी खाने में से। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, पप्पी कल्यार साहब की भी बड़ी अच्छी आमद है तो मैं चाहूंगा पप्पी कल्यार साहब भी कुछ। हाँ जी आप स्टार्ट करें, फिर आप पप्पी जी स्टार्ट की करना है। मैं इन्होंने यही कहूँगा कि पानी लाया करो, टिमकने वे हो जाएंगे तेरे कुर्ते, क्योंकि आ टिमकने जो मैं कुर्ता पाया ना ये भी टिमकने जो ना पहले छोटे सन तो मैं माशाल्लाह बड़ी रोजाना ही पानी लाना वा तो किडे किडे वे हो गए, इन्होंने पता ही नहीं है पानी लाने वे हो जाए। पानी पानी लाते बबर शेर यूरिया खाद लाते हो एकदम वे हो जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि बात रही हासे मजाक की ना तो बोलिए खुदा की कसम दुर्दाना जी से बढ़ के हासे मजाक में कोई भी नहीं है। मैं ये ये दुर्दाना जी वो है जो रोते बंदे को हंसाने वाली है और इनका प्यार ही हमें खींच के लाता है। मुझे कहते हैं कि दुर्दाना जी तुसी हासे दी पटारी हो, बिल्कुल। तो मैं फिर बाज दफा किसी वक्त नहीं भी दिल चाहता दोस्तों हंसने के लिए, बंदा जिंदगी है ना, आपको पता ही है कि सो उतार चढ़ाओ जिंदगी में अप्स डाउन चलते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा मजबूरन भी हंसना पड़ता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं भी दिल चाहता कि चलो उन हंसना है तो कोई आ जाए तो फिर उसको देख के हंस पड़ता है बंदा। तो दोस्तों ये थी मेरी जिंदगानी और ये थे मेरे सब दोस्त प्यार करने वाले और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपनी हर बात आप लोगों से शेयर करती हूँ और सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, आप इतना मुझे कमेंट्स करते हैं, इतने व्यूज़ देते हैं और इतना लाइक करते हैं कि मैं नहीं समझ सकती कि इतनी जल्दी कोई चैनल इतना इस्टेब्लिश हो जाए। ये आप लोगों की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, करम नवाजी, आप दोस्तों की मोहब्बत है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल जा रहा है और इसी तरह अल्लाह ज़िंदगी दे आप लोगों से मुलाकातें रहें और बहुत सारे फ़नकारों को मैं आपसे मिला चुकी हूँ और बहुत सारे फ़नकार रहते हैं जिनके आप लोग नाम ले लिख के भेजते हैं मुझे, मैं कोशिश ट्राई कर रही हूँ मैं उन लोगों से रबते में रहूँ, कोई लाहौर में है कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला मेरा सबसे लिंकअप हूँ मैं फ़ोन पर
तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको हर लम्हा हर वक्त हर रोज़ कोई ना कोई मुलाकातें करवाऊंगी, और आज तो इतने लोग काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी आपने मुझे बहुत सारे नाम भेजे हैं और जिनमें से मैंने आप लोगों की बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी करवाई हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत सारे लोग आर्टिस्ट रहते हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो मेरे चैनल पर आपको नज़र आएँगे और इसी तरह हम लोग सब आपको मिलते रहेंगे। तो अब हम आपसे कुछ सुनते हैं, अली शफकत के वो कुछ गाना सुना दे आपको। जी अली शफकत जी, दुर्दाना जी आपके ऑनर में एक शेर हो जाए। चाहत को किसी आहट की आस रहती है, नज़र को किसी सूरत की प्यास रहती है। दुर्दाना जी तेरे बगैर किसी चीज़ की कमी तो नहीं, तेरे बगैर तबीयत उदास रहती है। माशाल्लाह, खुशी का मौका है तो मैं चाहूँगा कोई हंसने वाली कोई बात हो जाए। हाँ जी, तो दुर्दाना जी एक डैडी मेरे वाले साहब की एक हकीकत ही आनी जरा उन्होंने बीती गल मैं सुना रहा। एक प्रोग्राम से गए तो उत्थे ना वाले साहब गल सुना रहे, कहते मैं एक प्रोग्राम से गया तो उत्थे एक बंदा दुआने बेच रहा है, तरबूज बेच रहा है। तो वो वेचन का स्टाइल की है, वो किवें तरबूज बेच रहा है, ट्राली उन्हें पूरी तरबूज की सटाई। हाँ जी, तो दुआने किमें बेच रहे, वो स्टाइल की है दुआने बेचन का। बड़े ही लाल दुआने जे दिला दिया गर्मिया दूर कर दे जे, बड़े ही लाल दुआने जे। अबू कहते हैं कि मैं देख रहा वा कि यार किवें होके भर रहा है, तो वेच दवाने रहा वे। कहते ने मैं उनके कोल गया तो मैं उन्होंने कहा ओए ओए तेरा कोई दवाना मर गया। कि भी सीधी तरह तू आवाज़ ला दे कि बड़े लाल दवाने तो होके भर भर के आवाज आवाजा ला रहे हैं। हाँ जी, भुल जावा तेनु जी नहीं करदा, हाय जी नहीं करदा। वे तू ते मल लिया आप किनारा, वे तू ते मल लिया आप किनारा, ते शो विच सानू रोड़ के, वे शो विच सानू रोड़ के, हाय तेरे हथ की बेदर्द आया। होकियां तो मैं तुहानू होकियां दा गाना सुनाता है। दोस्तों आपको अच्छी लगी हमारी महफिल, इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को लाइक करते रहे, पसंद करते रहे, शेयर करते रहे, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से वीडियो बना के भेजूंगी। और इसमें भी आपको पता है टाइम लगता है, मेकअप करना होता है, कहीं जाना होता है, किसी को बुलाना होता है, तो इसमें एक पूरी प्रॉपर आपको टाइमिंग चाहिए, जो मैं इस वक्त अपने चैनल को बहुत टाइम दे रही हूँ। बल्कि मैं तो कई काम भूल गई हूँ जो मेरे अपने करने के काम है, लेकिन आजकल मैं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत के लिए, आप लोगों के लिए इस चैनल पर इतना काम कर रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत कैसे दे दी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। दोस्तों मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में कि मेरा बेटा अभी ज़रा बाहर गया है, क्योंकि आपको पता है आज ईद का दिन है, घर में बहुत सारे मेहमान हैं, और मेरा बेटा जो था वो बाहर चीज़ें लेने गया था, और अब माशाल्लाह आ गया है। तो अब आप सलमान साहब से बात करें। जी सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबसे पहले सबको ईद मुबारक। ठीक है, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी ईद बड़ी अच्छी मनाई जा रही है। अभी हम कुर्बानी के जानवर भी लाए हैं। ठीक है, उसके अलावा मामा हमेशा की तरह यानी कि बड़ी अच्छी ईद मनाती हैं, सबको वेलकम करती हैं, बहुत से गेस्ट आते हैं घर में, मेहमानदारी होती है। ठीक है, उसके अलावा आप बताएं। ठीक है, ये इसकी कंटिन्यूटी है दोस्तों। ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला, बहुत मोहब्बतें बांटने वाला, और बहुत अच्छा बच्चा है। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दोस्तों मेरे बेटे के लिए स्पेशल दुआ किया करें कि अल्लाह मियाँ इसको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा अभी मैंने आपको एक तारुफ और करवाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की महफ़िल बड़ी हसीन थी और बड़े सारे हम लोग आपस में थे, और मैं अब जिनका आपसे तारुफ करवा रही हूँ वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और
आर्टिस्ट तो हैं ही बहुत अच्छे, उसके साथ खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इनके हाथ की अगर आप बिरयानी खा लेना तो आपके वाह जी वाह। तो अब मैं बात करवाती हूँ आपकी इजाज़ भाई से। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी आँखें बहुत लाल हुई हुई, खैरियत है? गर्मी की वजह जी। ये हमारे इजाज़ भाई हैं, आपको इनका कोई हल्का सा एक छोटा सा गाना और एक कोई इनको आपको सीन सुनाते हैं। जी इजाज़ भाई थोड़ा आगे हो जाना, कोई आप सुनाएं, क्या सुनाते हैं? मैडम के गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे। वाह जी वाह, ये थी इजाज़ भाई। अभी तो ये बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करते हैं, और माशाल्लाह इनके साथ बैठ जाए ना तो इतनी गपशप होती है। ये हमें वो क्या कहते हैं पंजाबी जुगतां सुनानियाँ, लतीफ़े सुनाने, हमें हंसाना। जब हम बड़े बोर होते हैं ना तो हम कहते हैं इजाज़ भाई आ जाओ, ज़रा बोरियत हो रही है। बस उसके 10-15 मिनट के बाद आपकी बोरियत गई, आपने लाफ्टर लगाने शुरू कर देने, हंसना शुरू कर देना। थैंक यू इजाज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके चैनल को भी मिस्र कामयाब और आगे से आगे तरक्की दे। आमीन। दोस्तों देखें, सब लोग मेरे चैनल के लिए दुआ कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी मोहब्बतें हैं। बहुत शुक्रिया आपकी। दुर्दाना रहमान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं आपको एक खुशखबरी सुना रही हूँ कि पाकिस्तान में यहाँ पे जब भी कोई शाम मनाई गई, वो जब कोई फनकार मर जाए या कोई डायरेक्टर हो जो भी हो, तो उसके मरने के बाद शामें मनाई जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में सहाफ़ियों ने सब ने मिलकर मेरी एक शाम रखी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और मैं आपको बड़ी मोहब्बतों से इनवाइट कर रही हूँ। आप ज़रूर आइएगा और आप ये बताइएगा कि मैंने आपको इनवाइट किया है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं उनका जज्बा देख के खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि देखिए मुझे भी उन्होंने इस काबिल समझा कि उन्होंने मेरी शाम रखी। मैं बेहद मीडिया की मशकूर हूँ और आप लोगों की मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे चैनल को भी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो इस शाम में आप लोग ज़रूर आइएगा। थैंक यू आपकी। दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़।